अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू द व्लॉग। और गाइस, आज है रमजान का डे 27। और भाई साहब, अब सिर्फ 3 दिन रह रहे हैं ईद के लिए, और 3 दिन बाद रमजान खत्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, और फिर हो जाएगा उसके अगले दिन ईद। ईद की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन एक तरफ दुख भी है क्योंकि रमजान खत्म हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह आगे अगले साल नसीब होगा कि नहीं नसीब होगा, और जिसका नसीब में लिखा होगा उसको नसीब होगा। खैर, और जहाँ तक है, नहा के रेडी हो चुका है, और इसने जो आज पैंट और टी शर्ट पहन रखी है मैंने दिया इसे, मेरी छुट्टी पड़ गई थी ना, अब मैं भी जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाता हूँ क्योंकि अभी जोहर की नमाज भी पढ़ने जानी है। और आज शहरी में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि शहरी में काफ़ी ज़्यादा नींद में था मैं, और आज भी हमारा रोज़ा है। खैर, 27 दिन हो रमज़ान के हो चुके हैं, 27 दिन हमारा रोज़ा है, 27 दिन हमने नमाज़ पढ़ी, 27 दिन तरावी पढ़ा, सब कुछ करा है, और अभी तक तो कुछ छोड़ा भी नहीं है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। तो जल्दी से पहले नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, और उसके बाद जाएंगे फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने। गाइस, फाइनली नहा के रेडी हो चुका हूँ, और गाइस अभी जोहर की अजान हो चुकी है, अब जल्दी से जोहर का नमाज ही पढ़ लेते हैं। बाकी ये देखो पानी अब भर रही है अम्मी, क्योंकि हाँ, और 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था, और अब आया 2 बजे पानी पीने वाला, ठीक है, अब भर रही है। खैर पानी, नहीं तो सुबह सुबह करीब 6-5 बजे आ जाता है ना अम्मी, हाँ, फजर के वक्त। तो जल्दी से चलते हैं, जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, और बाहर काफी ज्यादा धूप हो रही है भाई साहब। A few moments later, अभी वक्त हो चुका है असर की नमाज का, तो अभी मैंने वजू भी बना लिया, चलते हैं असर की नमाज पढ़ते हैं। ये देखो भाई साहब, ये भी सोया पड़ा था, अभी उठा रहा हूँ, इसे उठ ही नहीं था, जल्दी उठ जा, फिर असर का वक्त हो गया है, 5:05 हो गए, जल्दी उठ। गाइस, अभी हो चुका है फ्रूट्स काटने का वक्त, और आज फ्रूट में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ज़्यादा कुछ क्या, कुछ भी है ही नहीं समझ लो, बस एक यहाँ पपीता है आधा, और एक खरबूजा मीठा वाला, बस यही तो फ्रूट है। जाएगी जी फ्रूट लेने, फ्रूट लेने जा रही है, जा रही है, जा फिर जल्दी लेकर आ। सो गाइस, अब जा रही है जिनत पापा के साथ फ्रूट लेने, और अभी खैर ज़्यादा वक्त भी नहीं है, आधे घंटे इफ्तारी के लिए, तो जल्दी से जाती है फ्रूट लेकर आ, और जो बचा हुआ है तब तक मैं वही काटता हूँ, और क्या करता। सो गाइस, यहाँ पे अभी चीकू, संतरा और तरबूज और केले ले लिए मैंने, और उधर जिनत गई है अंगूर लेने, उसके बाद चलते हैं जल्दी से क्योंकि टाइम हो गया है। गाइस, फ्रूट्स वगैरह लेकर आ चुके हैं, बाकी हाँ अभी खरबूजा और थोड़ा पपीता काट दिया था, अब ये काट लेकर आ चुके हैं, अब जल्दी से काट देते हैं कि सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं, 10-12 मिनट बचे हैं, जल्दी काटते हैं आ जाओ। सारे फ्रूट्स काट दिए मैंने अच्छी तरीके से, फ्रूट तो थे ही नहीं, लेकिन फिर हम जल्दी जल्दी मैं और जिनत लेकर आए, और भाई साहब अभी सिर्फ 6 मिनट बचे ना, 5 मिनट बचे, इन सब की सुना। सो गाइस, फ्रूट वगैरह काट लिए, बाकी इधर हमें सारी चीज़ें रेडी कर रही हैं, यहाँ पे कचरी रेडी हो चुका है, आलू की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी भी रेडी है एकदम मस्त झकास, और ये अम्मी का फेवरेट बैंगन की पकौड़ी, और ये हमारा फेवरेट कबाब, पकौड़ी नहीं है, यहाँ पे कबाब रेडी हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये है चना, और ये आलू की पकौड़ी और बन रही है, जल्दी से निकाल दो, हमें टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी। ये लोग ने अभी रुआबदा भी नहीं बनाया, अब सारी चीजें मैं ही कर रहा हूँ, देखो मैं भी हूँ साथ में। अब जल्दी से रुआबदा बना लेते हैं यार, रुआबदा की बोतल लेकर आना, ये रही रुआबदा की बोतल, जल्दी से बनाते हैं भाई साहब, इन लोगों ने इतना लेट कर दिया, क्या बताऊं मैं, काम तो सारा तू ही कर रहा है, तो हमने काम से लेट कर दिया। गाइस, फाइनली पूरा दस्तरखान रेडी हो चुका है, ये देखो हर एक चीज़ है, ये रुआबज़ा ही बना लिया है, चना है, पकौड़ियाँ हैं, सारी कचरी है, यहाँ पे खरबूजा है, केला है, यहाँ पे अपना फेवरेट कबाब है, संतरा है, तरबूज है, चीकू है, और बैंगन की पकौड़ी है, और ये पपीता है, अंगूर है, सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और हाँ इसमें चीनी घुले ले, इसके बाद जल्दी से अभी सिर्फ 1-2 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद रुआबज़ा खोलते हैं। था हमने पानी
कितने मैंने 3 कबाब ले लिए और इन सबको 2 मिला है, तेरे को कितना मिला? एक। गरीब बेचारी। और आज फ्रूट्स मैंने कितने अच्छे डिजाइन में काटा है, ये देखो तरबूज। फाइनली हमने इफ्तारी कर ली है अच्छे तरीके से एकदम, और काफ़ी मज़ा आ गया एकदम इफ्तारी बोल के। और अभी हम जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने क्योंकि अजान हो गई है। और अभी बहुत सारी चीज़ें तो बची हुई है इधर, ये देखो बहुत सारी चीज़ें रख रखे हैं, ये नमाज़ के बाद आराम से बैठ के चैन से खाएंगे। तो पहले तो अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं। फ्रूट में सबसे ज़्यादा क्या लगा था वो? खरबूजा। और पूरे पूरे मतलब इफ्तारी के कबाब पर एक ही मिला था, भैया ने बस ले नहीं दिया, सारा भैया ने ले लिया था। 3.5 कबाब मैंने खाए, 3 मैंने खाए, 4 खाए थे। अरे वो छोटा सा था तो, मैंने 4। हाँ तो 4 मान लो। हाँ। और इसे एक ही मिला था जिहान को, 3। जिहान तो खैर मस्जिद में गया नहीं था, और जिसान गया था मस्जिद और लेकर आया मस्जिद से बिरयानी और बहुत सारी पेप्सी की बोतल, जीरा की जो बोतल है, जीरा वाला सोडा जो होता है वो लेकर आया, कम से कम 10-11 बोतल मस्जिद से। और बिरयानी दबा के चिकन का, चिकन की बिरयानी जिसान मस्जिद से लाया। मस्जिद से लाया बाबू, तुम खा कर नहीं आए थे? तुम टेस्ट होके बता। नहीं खा कर आए तो हम खाते हैं फिर। और ऐसे में चिकन लेग पीस तो नहीं लाया यार तुम, ये देखो बड़े बड़े पीस। और ये देखता हूं। हाँ ये नहीं गया था मस्जिद, निकाल दो मेरे लिए अलग। बहुत बढ़िया है। ईसा की नमाज भी पढ़ ली है और आज भी हमने पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़ा रखा है, तरावी सब कुछ पढ़ा है। और अब सिर्फ 3 रह गए हैं ईद के लिए, हो सकता है कि 29 रमज़ान में ही ईद हो जाए या फिर 30 रमज़ान को भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभार होता है ना, अगर पहले चांद निकल गया फिर तो ईद पहले हो जाएगी। वो तो सऊदी से पता चलेगा, अगर सऊदी में एक दिन पहले हो गया तो उसके अगले दिन इंडिया में होगी ईद, तो आप सभी तो पता ही है। खैर अभी हमने ईद की शॉपिंग वगैरह भी नहीं करी है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम शॉपिंग भी करेंगे, पापा लेकर जाएंगे बाहर। अब देखते हैं इस साल कहाँ जाते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। जिसान आ चुका है मेहरोली से, जिसान और जीत मेहरोली गए थे, किस ले गए थे? जिसान के स्कूल का ड्रेस लेने, बैग लेने, जूता लेने। जिसान भाई का एडमिशन हो चुका है फर्स्ट क्लास में। प्रॉब्लम हो गया, ड्रेस में बड़ा साइज में था इसलिए नहीं लिया। ड्रेस नहीं लिया? 2 के बाद मिलेगा। तो कल मंडे, कल फिर उस पे क्या पहन के जाएगा? घर के कपड़े में चले जाएगा। अच्छा 1-2 जिसान तुम घर के घर पे कपड़े में पहन जाना, और फिर बैग और जूता लेकर आएंगे। हाँ टीचर को बोल देना कि उसके बाद खरीद लेंगे तब आएगा पहन। तो ये क्या लेकर आइए, सिर्फ जूता मिला है? सो गाइस देखो जिसान का स्कूल का जूता। जिसान इधर तो आओ, तुम्हारे साइज का है? हाँ सही में। और ये क्या, जिसान का स्पाइडरमैन वाला बैग आ गया स्कूल का। गाइस ये देखो स्पाइडरमैन वाला बैग, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा मुझे लगता है, ये 2-3 महीने में ही कल्याण हो जाएगा इसका। बैग भी काफ़ी सही है वैसे। हाँ फिट आ रहा है, फिट नहीं आ रहा, फिट आ रहा है। इसे देखो मोबाइल में लगा पड़ा, ओए मोबाइल लगा, अभी मोबाइल लग, हर दम फ्री फायर में लगा रहता है। देखो गाइस रख दे, अब कल पहने हो स्कूल जाते वक्त। हाँ फिट आ रहा है, पता है मेरे को, मत दिखाओ। अब ये पहन कर ही दिखाएगा, ये देखो। अरे समझ गया मैं, आ जाएगा फिट, रख दो चलो। हाँ कोई बात नहीं, अब रख दो, अब मिलो रख दो, पागल ही अभी से लगा पड़ा है। गाइस अभी हम जा रहे हैं मेहरोली, और क्योंकि जा रहे हैं हम सालन लेने, आज दाल चावल बना, और दाल चावल में हमारा मन नहीं भरता, मन नहीं भरता और पेट भी नहीं भरता। खाने का मन नहीं, ढाबा और लेकर आते हैं सालन कोरमा लेकर आएंगे। अभी हम अपनी लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहां से हमें सामान लेना था खाने पीने का, और यही वो होटल है। अभी लेकर आ चुके हैं हम, ये है दाल गोश्त और उसके साथ साथ 2 रोटी। आज डिनर में हम यही खाएंगे, दाल बना था लेकिन दाल नहीं खाएंगे, आज ये खाएंगे। और इधर IPL मैच चल रहा है। तो गाइस अभी हो गया है लेटने का वक्त, और अभी थोड़ी देर में थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट करके, थंबनेल वगैरह रेडी करके मस्त सो जाऊंगा, और कल सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि कल जाना है मेरे को स्कूल। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई को सपोर्ट करो यार, क्या करो तुम लोग, रेड वाला बटन दबाओ सब्सक्राइब का, और जल्दी से भाई को सपोर्ट करो, ठीक है? तुम्हारा भाई डेली रमज़ान के बाद भी तगड़े तगड़े कॉन्टेंट्स लाता रहेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलना। फिर मिलते हैं मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना।